समाजवादी पार्टी ने निर्वाचन आयोग से 10 मार्च को मतगणना के दौरान पूरी पारदर्शिता बरतने की अपील की है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता उदयवीर सिंह ने वाराणसी में ईवीएम के मामले पर सवाल उठाते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग ने अभी तक किसी भी अधिकारी के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी सवाल निर्वाचन आयोग से पूछा जाता है लेकिन जवाब बीजेपी के नेता देते हैं। इस प्रदेश के आम वोटर का ये विश्वास बना रहे कि उसने जहां मत दिया है वहीं गिना गया है। ये लोकतंत्र में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज जिन सरकारी अधिकारियों के सहारे और उनके इशारे पे ये देश चलता है, आज आम जनता इतने अविश्वास के भाव में है कि उनकी गाड़ियां चेक कर रही है और वो पढ़े लिखे आयोगों से परीक्षा पास करके आए लोग भी ऐसी गलतियां कर रहे हैं कि संदेह की स्थिति बन रही है और उनसे जवाब नहीं बन रहा। जवाब निर्वाचन अधिकारी से पूछा जाता है, जवाब चुनाव आयोग से पूछा जाता है, लेकिन जवाब देने के लिए सामने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता आते हैं। समाजवादी पार्टी ने निर्वाचन आयोग से 10 मार्च को मतगणना के दौरान पूरी पारदर्शिता बरतने की अपील की है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता उदयवीर सिंह को आप सुन रहे थे। वाराणसी के ईवीएम के मामले को उठाते हुए वो कह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग ने आखिरकार अभी तक किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 10 मार्च को होने वाली मतगणना को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रदेश के सभी मतगणना केंद्रों को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सारा समय के संवाददाता संजीव सिंह ने लखनऊ स्थित एक मतगणना केंद्र पर पहुंचकर प्रशासन की तैयारियों का जायजा लिया है। 10 मार्च को 18वीं विधानसभा के लिए मतगणना होनी है और इसकी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आप अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के जो है व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि इस समय हम लखनऊ में हैं। लखनऊ में जो है जगह जगह जहां पर मतगणना होनी है रमाबाई अम्बेडकर मैदान में, और आप देख सकते हैं जगह जगह जो है बैरिगेडिंग की गई है और इसके अलावा विधानसभा वाइज जो है ये काउंटिंग की जाएगी। इस समय हम लोग लखनऊ पश्चिम के जो काउंटिंग स्टेशन वहाँ पर खड़े हैं, और अगर सुरक्षा की बात की जाए तो पूरे प्रदेश में जो है करीब 250 कंपनी जो है केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की गई है, जिनमें से 36 कंपनी ईवीएम सुरक्षा हेतु केंद्रीय सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। इसके अलावा 214 कंपनी मतगणना एवं कानून व्यवस्था की ड्यूटी में लगाई गई है। इसके अलावा 61 कंपनी जो है पीएससी कमिश्नरेट और विभिन्न जनपदों को दिया गया है, और साथ ही ये कहा जा सकता है कि करीब 625 राजपत्रित अधिकारी, 1807 निरीक्षक और 9598 एसआई, और इसके अलावा जो है 48,000 से ज़्यादा जो है आरक्षियों की भी तैनाती की गई है। और ये साफ दिशा निर्देश भी दिया गया है कि जो भी प्रत्याशी विजयी होगा किसी भी तरह का कोई भी विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा, अगर कोई भी विजय जुलूस निकालता है तो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और आप देख सकते हैं जो काउंटिंग स्थल है उसके बाहर जो है सभी राजनीतिक दलों ने जो है अपनी कैंप ऑफिस भी बना रखा है विधानसभा सभावार, जैसे कि आप देख सकते हैं एक वो समाजवादी पार्टी का बना है, इसके अलावा जो है बहुजन समाज पार्टी का बना है और दूसरी ओर जो है भारतीय जनता पार्टी का भी जो है कैंप ऑफिस बना हुआ है। यानी कि सभी राजनीतिक दलों ने जो है अपने विधानसभा वाइज जो है कैंप ऑफिस को भी बना रखा है और सुरक्षा के जो है व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और ये काउंटिंग जो है 8 बजे से शुरू होगी, और सबसे ज़्यादा अगर लखनऊ शहर की बात की जाए तो लखनऊ में 9 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से कि जो सरोजनी नगर अगर विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर जो है सबसे ज्यादा यानी कि करीब 44 राउंड में जो है काउंटिंग होनी है, जबकि अगर अन्य विधानसभा की बात की जाए तो कहीं पे 34 तो कहीं पर 36 राउंड की काउंटिंग होने वाली है। और इस काउंटिंग को भी लेकर जो है जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उन्होंने भी उचित दिशा निर्देश दे रखे हैं, यानी ये कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से जो कानून नियम है उनका पालन किया जाएगा और अगर कोई भी नियम
कानून के साथ खिलवाड़ करता है तो उसके साथ जो है कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। सहारा समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन समीम के साथ संजीव सिंह।